हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपका रेगुलर नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आगे से आपका ये वीडियो रेगुलर रहे और आपको रेगुलरली ये वीडियो मिलने लगे। तो पहले हम कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दिया है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एट द रेट अमन त्रिवेदी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला वर्ड हमारा है एम्फोसाइज करना। एम्फोसाइज करने का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। इसके लिए idiom भी इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइव होम, मतलब किसी बात पे जोर डालना, अपनी बात पर जोर डालने के लिए आता है आपका, ठीक है। एम्फोसाइज करना मतलब किसी बात पे जोर डालना। इसके अलावा डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है असम्मानजनक, ठीक है। ही पास्ड अ डेरोगेटरी रिमार्क टूवर्ड्स हिम, यानी कि उसके लिए एक असम्मानजनक रिमार्क पास किया। किसी का सम्मान में कमी करना, किसी के सम्मान असम्मान नहीं करने के सेंस में आता है डेरोगेटरी। मीनिंग हो गया शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड किसी के प्रति दिखाना। इसके सिनोनिम्स याद रख सकते हैं डिस्पैरेजिंग, डेनिगेटरी, बिलिटिंग, डिमिनिशिंग, स्लाइटिंग, डेप्रिकेटरी, डेप्रिशिएटरी, मडस्लिंजिंग। मडस्लिंजिंग मतलब होता है किसी पे कीचड़ उछालना, और वॉश समवंस डर्टी लिनन इन पब्लिक का मतलब हो जाता है किसी के ऊपर किसी के प्राइवेट अफेयर्स को पब्लिक में डिस्कस करना, जो कि नेता लोग करते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। अंडरस्कोर का मतलब हो जाता है अ लाइन ड्रॉन अंडर अ वर्ड और फ्रेज फॉर एम्फोसाइज, किसी बात पे जोर डालने के लिए जब आप अंडरस्कोर करते हैं उसके लिए अंडरस्कोर वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ वर्ब भी। क्वेयर क्या है आपका, देखिए मैं जो हम यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर है। तो जेंडर क्वेयर एक क्या होता है, एक तरीके का जेंडर है, जिसका मतलब होता है नॉन बाइनरी और जेंडर क्वेयर इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर जेंडर आइडेंटिटीज दैट आर नीदर मेल और नॉर फीमेल। तो जो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनके लिए क्वेयर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कितनी अजीब बात है, ये डाइकोटमी है, विरोधाभास है कि क्वेयर का एक अर्थ स्ट्रेंज और ऑड भी होता है। तो वोकैबुलरी में ही हमने ऐसी चीजें कर रखी हैं। अमेंड का मतलब क्या होता है, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, जैसे अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, यानी कि संशोधन कानून होता है। फ्रूशन, फ्रूशन का मतलब हो जाता है आपका द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ अ प्लान और प्रोजेक्ट, किसी प्लान या फिर किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना। द प्लान्स हैव कम टू फ्रूशन रादर सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि प्लान्स जल्दी कंप्लीट हो गए जितना हमने सोचा था उससे पहले। सिनोनिम्स हो जाते हैं फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, मटेरियलाइजेशन, अचीवमेंट या फिर अटेनमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा कन्फर्म टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद। कन्फर्म टू, अबाइड बाय और कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, किसी नियम कानून का पालन करना कहलाता है कन्फर्म टू, अबाइड बाय या फिर कंप्लाई विद। ये तीनों ही प्रीपोजिशन एक साथ इस्तेमाल होते हैं। और अबाइड विद भी होता है, बट अबाइड विद का मतलब होता है किसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के सेंस में आता है, ठीक है। इसके अलावा हेट्रोनॉर्मेटिव, हेट्रोनॉर्मेटिव इस्तेमाल होता है रिलेट करने के लिए टू अ वर्ल्ड व्यू दैट प्रमोट्स हेट्रोसेक्सुअलिटी एज अ नॉर्मल और प्रिफर्ड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो हेट्रोनॉर्मेटिव टर्म इस्तेमाल होता है उसके लिए जो कि हेट्रोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है इस तरीके के एटीट्यूड के लिए। साइकैट्री, साइकैट्री हम कहते हैं मनोविज्ञान को। टॉक्सिकोलॉजी होता है आपका ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द नेचर इफेक्ट्स एंड डिटेक्शन ऑफ पॉइजन, यानी कि जहर को की साइंस को, विज्ञान को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। हैरेस मतलब होता है प्रताड़ित करना किसी को, और कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है कि चिंता की भावना कुछ बुरा होने के बाद, अगर आपको एक साथ में कुछ बुरा हुआ है तो उसके बाद आप चिंतित हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन। तो कॉन्स्टर्नेशन इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ खराब होने की वजह से आप काफी चिंतित या फिर काफी निराश हो जाएं, उसे कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन। टू हर कॉन्स्टर्नेशन हर कार वुडंट स्टार्ट, यानी कि उसके और चिंता बढ़ गई जब उसकी कार शुरू नहीं हुई। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसमे, पर्टुब्रेशन, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइटिट्यूड, डिसकम्पोजर या फिर एंग्स्ट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एली होता है हमारा पार्टनर के सेंस में आता है। मूट, मूट का मतलब होता है कोई क्वेश्चन आप आगे रख रहे हैं फॉर डिबेट, सब्जेक्ट टू डिबेट कहलाता है मूट, डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी। वेदर दे हैड बीन सक्सेसफुल और नॉट वॉज अ मूट पॉइंट, यानी कि वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए ये एक डिबेटेबल इशू था, विवादास्पद इशू था जिसपे बहस की जा सकती थी।
तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डिबेटेबल, ओपन टू डिबेट, ओपन टू डिस्कशन, आर्ग्यूएबल, क्वेश्चनेबल, एट इशू, ओपन टू क्वेश्चन, ओपन या फिर डाउटफुल। डिस्पैरेजिंग क्या होता है? डिस्पैरेजिंग मतलब हो जाता है एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग इज ऑफ लिटिल वर्थ या डेरोगेटरी। डिस्पैरेजिंग मतलब हो जाता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना दैट समथिंग इज ऑफ लिटिल वर्थ और डेरोगेटरी, यानी कि असम्मानजनक है, किसी की वैल्यू को कम करने वाला है। तो डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है ये ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि किसी की वैल्यू कम है, डेरोगेटरी है, असम्मानजनक है, ठीक है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है कनेक्टेड विद मेंटल प्रोसेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग से संबंधित कॉग्निटिव टर्म इस्तेमाल होता है। और डिस्पैरेजिंग और डेरोगेटरी एक ही है, हम पहले डेरोगेटरी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरवेंशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना किसी के बीच में। सैल्यूटरी का मतलब हो जाता है लाभदायक, हैविंग अ गुड इफेक्ट ऑन समबडी दो ऑफन सीमिंग अनप्रेजेंट। कई बार जो चीज अनप्रेजेंट लग रही है बट एक अच्छा इफेक्ट होना किसी के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड सैल्यूटरी, ठीक है। बार मतलब होता है, बार के कई अर्थ होते हैं, बार का एक अर्थ मतलब लोहे की छड़ भी होता है, और बार का एक अर्थ एक्सेप्ट भी होता है, यानी कि एक्सक्लूड करना किसी को। जैसे बारिंग राम एवरी वन वॉज प्रेजेंट, यानी कि राम को छोड़ के हर कोई प्रेजेंट था। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं कि बारिंग डबल आर आता है राम, एवरी वन वॉज प्रेजेंट, यानी कि राम को छोड़ के हर कोई मौजूद था। तो एक्सेप्ट आपके तीन होते हैं, आप जिनको पढ़ते हैं, एक होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकारना, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ये वाला एक्सेप्ट, ई एक्स ई पी टी, इसका मतलब होता है आपका कि एक्सक्लूड करना किसी को। और एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब हो जाता है कि आप मुझसे ये अपेक्षा मत करिए, मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए, अपेक्षा करना। तो सेट द बार ईडीएम है, मतलब होता है कोई लेवल सेट कर देना। बिहाइंड बार्स मतलब होता है जेल में जाना। रेज द बार मतलब किसी चीज का लेवल बढ़ा दिया। और नो होल्ड्स बार्ड, यानी कि कोई नियम कानून नहीं है, एकदम खुली छूट है। परकोलेट का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें पानी है, बीच में मैं कोई झिल्ली रख देता हूं, तो पानी इस साइड से इस साइड धीरे 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 रिस जाएगा। तो किसी चीज का रिसना कहलाता है परकोलेट। रिसता है ना कोई चीज, तो उसे कहते हैं परकोलेट करना। तो मीनिंग हो गया टू ग्रेजुअली बिकम नोन और स्प्रेड थ्रू अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी, यानी कि धीरे धीरे ग्रुप ऑफ सोसाइटी में कोई चीज फैल रही है, स्प्रेड कर रही है, दैट इज कॉल्ड परकोलेट करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाता है आपका किसी, कॉम्प्लीमेंट देखिए दो इस्तेमाल होते हैं, एक ई होता है, एक में आई होता है। जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया आपने, यानी कि आपने किसी की तारीफ करी, यू कॉम्प्लीमेंटेड हिम, यानी कि आपने उसे तारीफ, उसकी तारीफ की। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू एड टू समथिंग इन अ वे दैट इम्प्रूव्स इट और मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव, यानी कि किसी चीज को कंप्लीट करता है कोई चीज, तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो पूरक संपूरक वाला सेंस होता है। अब एडिटोरियल पढ़ते हैं, कह रहा फॉर चेंज ऑन सेम सेक्स रिलेशंस एंड सोसाइटी, चेंजेस इन लॉ ऑन सेम सेक्स रिलेशंस मस्ट बी अलोंग विद एन एटीट्यूडनल चेंज इन सोसाइटी। कह रहा है कि बदलाव हो रहा है ऑन सेम सेक्स, जो समान सेक्स में रिलेशंस और सोसाइटी की बात हो रही है इसके बारे में। तो कह रहा है कि लॉ में चेंजेस इन लॉ ऑन सेम सेक्स रिलेशन मस्ट बी अलोंग विद एटीट्यूडनल चेंज इन सोसाइटी। कह रहा है कि समाज में जो लॉ में तो बदलाव हम कर दे रहे हैं, हम कानून में बदलाव कर दे रहे हैं, बट कानून में बदलाव समाज के एटीट्यूडनल बदलाव के साथ साथ होने बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल सही बात है। कह रहा है अ रिसेंट एडवाइजरी फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन एम्फसाइजिंग द नीड टू अवॉइड डेरोगेटरी रेफरेंसेस टू द LGBTQIA+ कम्युनिटी इन मेडिकल टेक्स्ट बुक्स और टीचिंग मेथड्स हैड अंडरस्कोर्ड द वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस ऑन इश्यूज कंसर्निंग क्वियर एंड ट्रांस पीपल। कह रहा है कि जो रिसेंट एडवाइजरी जारी हुई है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, जो एम्फसाइज कर रही है, जो इस बात पर जोर दे रही है कि नीड टू अवॉइड, कि उन्हें अवॉइड करने हैं कैसे, डेरोगेटरी रेफरेंसेस, असम्मानजनक रेफरेंसेस, जो कि LGBTQIA पूरा कम्युनिटी के लिए बात हो रही है, के लिए मेडिकल टेक्स्ट बुक में जो डेरोगेटरी टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, असम्मानजनक टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको अवॉइड करने की बात कह रहा है। ये जो नई रिसेंट एडवाइजरी आई है, इसकी बात हो रही है, तो इस बात पे वो एम्फसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है। और टीचिंग मेथड्स, और टीचिंग मेथड्स पे इसने अंडरस्कोर किया है, यानी कि इस बात पे जोर दिया है और इस बात को हाईलाइट किया है कि द वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस ऑन इश्यूज कंसर्निंग क्वियर एंड ट्रांस पीपल। इस बात पे जोर दिया है कि इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस पे जोर दिया है कि इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस होनी चाहिए क्वियर और ट्रांस पीपल के इश्यूज से संबंधित इश्यूज पे। द एडवाइजरी केम, एडवाइजरी कब आई? द एडवाइजरी केम आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट वॉइस्ड कंसर्न ओवर। ये तब आई जब मद्रास हाई कोर्ट ने अपना कंसर्न रेज किया है।
अनसाइंटिफिक एंड डेरोगेटरी इन्फॉर्मेशन इन सम टेक्स्ट बुक, जब उसने कहा कि कुछ टेक्स्ट बुक में बहुत ही अवैज्ञानिक और डेरोगेटरी इन्फॉर्मेशन पब्लिश है. द एनएमसी कॉशन्ड, एनएमसी ने चेतावनी दी मेडिकल यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एंड अदर इंस्टीट्यूशंस को ऐसे रेफरेंसेस को अवॉइड करने के लिए व्हाइल टीचिंग सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू जेंडर, यानी कि जेंडर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाते समय उन्होंने ऐसे टर्म्स को अवॉइड करने की चेतावनी दी है. द इंस्टीट्यूशंस वर ऑल्सो आस्क्ड, इंस्टीट्यूशन से ये भी कहा गया कि नॉट टू अप्रूव बुक्स विद सच रेफरेंसेस, ऐसी किताबें जिनमें ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं उन्हें अप्रूव ना किया जाए. While textbook authors were instructed to amend what has been written on issues, यानी कि while textbook authors were instructed to amend, यानी कि जो किताबों के जो author हैं, जो लेखक हैं, उनको ये instruct किया गया, उनको ये निर्देश दिया गया कि वो amend करें, संशोधन करें जो भी लिखा है उन्होंने, कैसे issues पे, virginity वाले issues पे और homosexuality के जो issues हैं इन पे जो उन्होंने लिखा है उसको वो amend करें. The circular represents the fruition of efforts by Justice N. Anand Venkatesh. और ये जो circular जारी हुआ है ये fruition हमने क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ का result होना, एक तरीके से fructify होना कि उसका फल मिल रहा है. तो कह रहा है ये जो circular है ये किसका फल है, जो Justice N. Anand Venkatesh ने efforts किए थे उनका, जिन्होंने guidelines frame की थी in an order in June में एक order में guidelines frame की थी to protect the community's right, इस community के इस समाज की के अधिकारों को protect करने के लिए. He had expanded the scope of a writ petition filed by a lesbian couple for protection against the harassment into one that went into the status of those who did not conform to gender identity assigned at birth or to heteronormative sexual orientation. कह रहा है कि उन्होंने expand किया उनकी जो जो एक lesbian couple के द्वारा एक writ petition दायर की गई थी उसकी writ petition को, उस याचिका को के scope को expand किया और वो उन्होंने उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन दिया जो भी हैरेसमेंट हो रहा था इनटू वन दैट वेंट इनटू द स्टेटस ऑफ दोज हु डिड नॉट कंफर्म टू, यानी कि ऐसे लोगों का हैरेसमेंट हो रहा था जो लोग की जेंडर आइडेंटिटी, जैसे बचपन से मान लीजिए आपने किसी लड़के या लड़की को, आपने किसी लड़के को लड़का बताया और लड़की को लड़की बताया था, बट वो उस आइडेंटिटी के साथ में पालन नहीं कर रहे थे और आगे जाके लड़के ने अपने आप को गे बताया या लड़की ने अपने आप को लेस्बियन बताया, तो उन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों के हैरेसमेंट से बचाया उनके इस ऑर्डर ने, इस रिट से. ठीक है, और टू हेट्रोनॉर्मेटिव सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हेट्रोनॉर्मेटिव मतलब एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जिसमें आप मेल और फीमेल के अलावा भी जेंडर्स देखते हो, तो ऐसे ओरिएंटेशंस की बात हो रही है. द कोर्ट्स अटेंशन वाज देन ड्रॉन टू साइकेट्री, उसके बाद कोर्ट का जो अटेंशन है, ध्यान है, वो आकर्षित किया गया साइकेट्री के ऊपर, जो पूरी मनोविज्ञान है उसके ऊपर, फॉरेंसिक मेडिसिन के ऊपर और टॉक्सिकोलॉजी की किताबों के ऊपर जिसमें पॉइजन की स्टडी थी. क्यों? क्योंकि जस्टिस वेंकटेश हैज सजेस्टेड दैट द एनएमसी एंड द इंडियन साइकेट्री सोसाइटी ब्रिंग एन नेसेसरी चेंजेस इन द करिकुलम, और उसे कहा गया कि वो अपने करिकुलम में जो भी आवश्यक चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो लाएं. द जज हैड डायरेक्टेड द पुलिस, जज ने पुलिस को डायरेक्ट किया एंड नॉट टू हैरेस सेक्सुअल माइनॉरिटीज, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को हैरेस ना करने की हिदायत दी पुलिस को. बट लेटर नोटेड दैट द कॉन्स्टर्नेशन सच दैट सच हैरेसमेंट वॉज नॉट ओनली कंटिन्यूइंग बट समटाइम्स एक्सटेंडेड टू एनजीओज एंड अदर एलाइज ऑफ द LGBTQIA+ कम्युनिटी. और ये भी कहा कि बाद में ये भी नोट किया कि ये जो चिंता है, ये जो कॉन्स्टर्नेशन है, ये जो एनजाइटी है, डिसमे है, वो दैट सच हैरेसमेंट, वो जो हैरेसमेंट था वो सिर्फ पुलिस तक ही सीमित नहीं था, कई बार वो एनजीओज में भी हो रहा था और कई बार जो उनके खुद के अलाइज हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी के, वो भी इस तरीके के हैरेसमेंट कर रहे थे. ही मूटेड चेंजेस, उन्होंने जो भी बदलाव हुए, चेंजेस टू द पुलिस कंडक्ट रूल्स, यानी कि इस बात को उन्होंने उठाया, बढ़ाया, इस बात पे एक डिस्कशन को बढ़ाया, टू द चेंजेस टू द पुलिस कंडक्ट, कि पुलिस के बदलाव, बिहेवियर में बदलाव आए, साथ ही साथ कंडक्ट टू द पुलिस कंडक्ट रूल्स टू प्रोवाइड फॉर पनिशिंग एरिंग पुलिस पर्सनल, कि ऐसे पुलिस पर्सनल जो कि इस तरीके की गलतियां कर रहे थे उनको पनिश किया जाए इन दिस रिगार्ड. ही ऑल्सो नोटेड, उन्होंने ये भी कहा कि डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेज इन द मीडिया, और कहा कि जो मीडिया में इस तरीके के ऐसे रेफरेंसेज दिए जाते हैं जो गलत हैं, किसी को आप नीचा दिखाने के लिए आप उसके जेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया एक तरीके, उस पर भी सवाल उठाया.
ही फाउंड दैट अ साइकेट्रिस्ट हैड रिफर्ड, उन्होंने ये भी पाया कि एक साइकेट्रिस्ट ने एक गे मैन को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए भेज दिया कि आप थेरेपी ले लो, उससे आप ठीक हो जाओगे. वाइल प्रेस्क्राइबिंग एंटी, उसको एंटी डिप्रेसेंट दे दिए, ड्रग्स दे दिए, दवाइयाँ दे दी जिससे कि जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने वाली थी. अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन दैट सेक्शुअल ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी, मतलब उस साइकेट्रिस्ट की गलती ये थी कि उनको ये लग रहा था कि किसी तरीके की थेरेपी या कुछ दवाइयाँ दे देंगे तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, और उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाइयाँ दे दी. जबकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जबकि वो डॉक्टर हैं, कि वो एक अलग जेंडर है और अलग जेंडर की ही पूरी बात हो रही है. इन द कोर्स ऑफ द हेयरिंग द जज हैड सब्जेक्टेड हिमसेल्फ टू काउंसलिंग सो दैट ही कुड ओवरकम हिज ओन माइंडसेट, कि और उन्होंने उस फिर साइकेट्रिस्ट को काउंसलिंग के लिए भेजा कि वो अपने माइंडसेट को बदले. लिमिटेशंस इन अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ एक्सपोजर टू द इशू ऑफ जेंडर नॉनकॉम, और ऐसा बिल्कुल उन्होंने एकदम जेन्युइन बात कही कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तो हमारी समझ लिमिटेड है, दूसरी जो हमारा एक्सपोजर है ऐसे इशूज का वो कम है. क्योंकि हम सत्य है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलते नहीं हैं. हमने समाज ऐसा बना रखा है कि बाइनरी सेट कर रखी, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे. इसके अलावा अगर कोई जेंडर है तो उससे हमारा एक्सपोजर नहीं होता, और जब एक्सपोजर नहीं होता तो हमें वो चीज़ बहुत ही अननेचुरल लगती है. हमें वो लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अंटिल अनलेस हम खुद ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हों या ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हों. तो वही कह रहे हैं कि एक्सपोजर नहीं होता है चूंकि टू इशूज ऑफ जेंडर नॉन कन्फर्मिटी, कि ये जो जेंडर नॉन कन्फर्मिटी है, किसका जो मेल और फीमेल को ना मानने वाली कन्फर्मिटी है, ऐसे इशूज पे एक्सपोजर नहीं होता है हमारा. एंड टू गो बियॉन्ड द बाइनरी, बाइनरी मतलब मेल फीमेल दो हो गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, इसको समझने की जरूरत है. जुडिशियल इंटरवेंशन जनरली हैज अ सैल्यूटरी इफेक्ट, जुडिशियल इंटरवेंशन जो है जो कह रहा है कि न्यायिक हस्तक्षेप से जनरली तो एक सैल्यूटरी इफेक्ट होता है, एक अच्छा इफेक्ट होता है ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्टेट, इट्स इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर पे. हाउ एवर बारिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन द स्पिरिट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स स्पेशली विद रिगार्ड टू सोशल इशूज रेयरली पर्टिकुलेट्स टू एवरी लिम्ब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है कि हालांकि कुछ एक डायरेक्शंस को छोड़ दें तो ऐसे जुडिशियल ऑर्डर्स जो कि सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड हैं, वो बहुत रेयरली ही समाज के हर तबके में परकोलेट करते हैं, यानी कि धीरे धीरे फैलते हैं, नहीं फैलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. द क्वियर एंड जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल हैव फाउंड एन एले इन द कोर्ट, उन्हें कोर्ट में अपना एक मित्र मिला, बट दे वुड नीड ग्रेटर एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज एट वेरियस लेवल्स, लेकिन उन्हें अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी बहुत सारी आवश्यकता पड़ेगी अलग अलग लेवल्स पे, इफ़ देयर राइट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड, अगर उनके अधिकारों को बचाना है तो. इन एनी केस एनी चेंज इन लॉ इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स रिलेशंस और अंडरस्टैंडिंग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन एटीट्यूडनल चेंज इन सोसाइटी एट लार्ज, कह रहे हैं कि अगर हमें सेम सेक्स रिलेशंस को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और उनको एक सम्मान देना है, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि क्या चीज़ ऐड करने की जरूरत पड़ेगी कि समाज का जो एटीट्यूड है वो बदले. क्योंकि जब तक समाज का एटीट्यूड नहीं बदलेगा, कोर्ट कितना भी निर्देश दे ले कुछ नहीं बदलने वाला है. क्योंकि चाहे कोई भी पुलिस हो, अथॉरिटी हो, या कोई भी हिस्सा हो समाज का, वो सब समाज के ही हिस्सा है, और समाज में हम जिस तरीके की बात करेंगे उसी तरीके की आप जो है समाज क्रिएट करेंगे, उसी तरीके की चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी. अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा एडिटोरियल यहाँ पे हो गया, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ. जैसे कि मुझे कई बच्चे कई बार, जैसे टिकटॉक वाला इशू था और अभी भी जैसे रील्स चल रही हैं, तो कई बार लोग मुझे रील्स भेजते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों की, और कहते हैं जिसमें कोई लड़का अपना अलग क्रॉस ड्रेस करके नाच रहा है, तो आप ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही, वो चीज़ चीप लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं पसंद है, मैं भी नहीं देखता हूँ. लेकिन आप जब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, जब आप उसके लिए डिस्पैरेजिंग रिमार्क पास कर रहे हैं, आप उसके लिए कोई डेरोगेटरी रिमार्क पास कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो डेरोगेटरी रिमार्क क्या है वो आप लोग ध्यान करिएगा. मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट आप लोग जानते हैं कि आप उस तरीके के लोगों को क्या बुलाते हैं. आप एक पर्टिकुलर जेंडर का नाम लेते हैं और आप कहते हैं कि ये वो हैं, तो कितनी गलत बात है कि हम एक जेंडर को ही हमने गाली बना दिया. आप ये समझ रहे होंगे शायद. तो दैट्स व्हाट द कोर्ट इज ट्राइंग, द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल इन दिस एडिटोरियल, कि जो हमने एक तरीके की, कि हमने जो बाइनरी माइंड में सेट कर लिए ना कि मेल और फीमेल दो ही होते हैं, और जो बाकी जेंडर हैं, जो क्वियर हैं, या फिर जो उनको आप समाज का हिस्सा ही नहीं बना रहे हैं, और इसीलिए वो आपके समाज के मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जुड़े हुए नहीं हैं, और इसीलिए उन्हें इनकम के अन्य सोर्सेज तलाशने पड़ते हैं.
तो ये काफी बड़ा इशू है। कभी आप इसको सीरियस होकर अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद सिर्फ हंसने भर की बात नहीं है। ठीक है, कई बार हम बड़े मजाक में किसी जेंडर को, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम पूरा मजाक में दरकिनार कर देते हैं, बट आप ये समझिएगा कि अगर आपको आपके मेल होने के लिए हास्यास्पद माना जाए, अगर आप मेल हैं या अगर आप फीमेल हैं, तो अगर मुझे सिर्फ इस बात पे हंसी आए क्योंकि आप मेल हैं, या अगर मुझे सिर्फ इस बात पे हंसी आए क्योंकि आप फीमेल हैं, तो वो कितनी अजीब स्थिति होगी, राइट? कि अगर ये पेन है तो, और इसको पेन बोलने पे मुझे हंसी आ रही है, तो इसका मतलब कि कुछ तो हम में गड़बड़ है, क्योंकि वो तो हैं, दैट इज नेचुरल एंड वो आपके सामने है, बट आप चूंकि उनके जेंडर का ही नाम लेकर आप एक पूरा जोक क्रिएट कर देते हैं, वो जो एटीट्यूड है वो बहुत जरूरी है। और इस तरीके की चीजें आप समाज में हर तरफ देखेंगे, इसीलिए कई बच्चे अगर मुझसे मीम शेयर करते हैं या रील्स शेयर करते हैं, तो मैं उनको ये चीज जरूर कहता हूं कि आप कभी भी मीम शेयर करो, जोक शेयर करो, मैं भी करता हूं, लेकिन कभी किसी जेंडर को उसके लिए नीचा मत दिखाइए, उसकी जरूरत नहीं है। हंसने के लिए हमें किसी जेंडर या किसी धर्म या किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती है, कॉमेडी ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, आशा करता हूँ जो ऑथर ने पॉइंट किया और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा अगर समझोगे तो और समझेगा, बस थोड़ा सा आपको अवेयर होने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स कीप इट क्लियर, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी क्रिएटिव, थैंक यू सो मच।